क्या बनाना होने के, वो गलती नहीं करना, वो गलती किया तो पैसा नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? नहीं पता कि क्या मेरा गुप्ता सूरत स्ट्रक्चर है, तो जाइए अपना अपलाइन के साथ बैठिए, धर्मेंद्र जी के साथ बैठिए, तो बोलिए सर बताइए हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। अब गुप्ता सूरत स्ट्रक्चर याद रखिए, पैसा कमाना है सही चौड़ाई सही गहराई, सही चौड़ाई सही गहराई, पहले चौड़ाई फिर गहराई, शुरू में चौड़ाई फिर गहराई, पहले गहराई और फिर चौड़ाई, पहले चौड़ा बजाइए वाइड जाइए फिर गहरा जाइए। अगर आप पहले चौड़ा जाके फिर गहरा जाएंगे इनकम अच्छा आएगा। कैसे अभी दिखाइए, पहले टाइटल का डेप्थ लीजिए फिर टाइटल जम करें। अगर आप एसडी हैं तो ईडी बनने से कोई फायदा नहीं, अगर मेरे नीचे एक ही डायरेक्टर है कोई फायदा नहीं, सिर्फ टाइटल आएगा चेक नहीं आएगा। लेकिन अगर गहराई के साथ टाइटल जम किया तो चेक भी आएगा टाइटल भी आएगा और जिंदगी भर आप अपना टाइटल नहीं गिराएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरा, हर लेग में सेनापति बनाइए, एक नहीं दो नहीं जितना बनाइए बनाइए। सुरेखा भार्गव जी जितना इसलिए नहीं कमाती बिकॉज सुरेखा भार्गव जी कोई सुपर ह्यूमन वूमन है नहीं, वो आपकी तरह ही है। हाँ ये जरूर है कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्पीकर है पर आप ही की तरह है, कोई फर्क थोड़ा है, वो भी दो टांग है दो हाथ है, वो भी ऐसी महिला है गृहिणी है, पढ़ी लिखी गृहिणी है, ऑल्दो वो इसलिए बिकॉज उनका हर लेग में इतना सेनापति है उनका चेक कभी गिर ही नहीं सकता। अब जिसका लेग में डेप्थ ही नहीं है कोई सेनापति नहीं है उसका चेक कम है। एक टीबीडी हो सकता है 20 लाख रुपए कमाता है, एक टीबीडी 9 लाख रुपए कमाता है, क्यों? कोई फर्क नहीं है, उसका लेवल सेनापति है, डेप्थ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, चौथा, अपना पीजीपीवी को ओवरबिल्ड करिए। अब देखिए उत्तर सूरज स्ट्रक्चर, वो 5 लोग वहां जोड़ा था एक के नीचे एक, ऐसे जोड़ दीजिए, अब देखिए स्ट्रक्चर में चेक कितना आएगा। यही 5 लोग एक के नीचे एक छोड़ा था, आग लगा दो, अगर उसको ये सिखाया 534 रुपए का चेक आएगा, जो पहले 291 था वह 534 रुपए हो गया। बीवी उतना ही है, सही स्ट्रक्चर पे चेक पड़ गया। तो शुरू में चढ़ाई फिर गिराई। अभी जो पांचवा आदमी है, हो सकता है मैं डी के नीचे डालू, डी के साथ काम करूं डी वन के नीचे लेकर, एसी का आदमी था पहले भी इसके नीचे था अभी भी इसके नीचे है, अब इतना भी चौड़ाई मत बनाइए कि संभालना मुश्किल हो जाए। ये 20 लेग 25 लेग नहीं बनाना, शुरू में इतना नहीं, 4-5 अच्छा लेग बनाओ, और 4-5 अच्छा लेग बनाने के लिए हो सकता है 7-8-10 आदमी जोड़ना पड़े, क्योंकि हर आदमी आने के बाद काम नहीं करेगा, नॉट बिकॉज आप में प्रॉब्लम है, बिकॉज वो आदमी में भी भूख नहीं होती जिसको, वो सीखता भी नहीं, वो करता भी नहीं, जिस दिन लगेगी वापिस आएगा। अब देखिए इसको, देखिए आप 2 लोगों से 4 का स्ट्रक्चर बनाइए। उदाहरण है, कोई 4 लाएगा कोई 3 लाएगा कोई 2 लाएगा कोई 6 लाएगा, लेकिन इस उदाहरण में अगर आप आया 4 लोगों को स्पॉन्सर करके ए एंड बी सिर्फ 2 लोगों से 4-4 स्पॉन्सरिंग कराया 60 पीवी पर, आपका लेवल बढ़ गया, आपका चेक बढ़ गया 648 रुपए। और बात सिर्फ आपका चेक का नहीं, आपका नीचे सबका चेक आएगा, क्या सिर्फ बात मेरा नहीं है, बात हम सबका है, हम सबका बात करोगे तो टीम स्टेबल है। भूख है जाके 4 लोगों को 4-4 लोग कराए, 4x4, अब 4x4, 4x3, 4x2 रियलिटी में हो सकता है सब लोग 4 नहीं करेंगे, कोई 2 करेगा कोई 4 करेगा कोई 5 करेगा, लेकिन मोटा मोटा एग्जांपल बताता हूं, सही स्ट्रक्चर, 4 लोगों ने 4-4 किया, आप डायरेक्टर बन जाएगा 4,477 रुपए के साथ। अभी 3400 रुपए का डायरेक्टर नहीं है, ये 3400 रुपए का डायरेक्टर आप जानते हैं कौन है? जिसका स्ट्रक्चर फॉल्टी है, जिसका 1 या 2 लेग एक्टिव है, वो डायरेक्टर तो बन गया पर चेक कमा। लेडीज एंड जेंटलमैन, और भूख है, 6 का स्ट्रक्चर बनाइए, 6x6 बनाइए। अब यहां देखिए डायरेक्टर का चेक 9,000 रुपए से ज्यादा है, तो क्या कर रहे हो, क्या सीखा इससे? ये सीखा कि जितना एक्टिव डाउनलाइन होगा राइट स्ट्रक्चर में उतना रुपया आएगा। अब आप 3 बनाएंगे 3 तो कम आएगा, 4 एक्टिव करेंगे तो ज्यादा आएगा, 6 एक्टिव करेंगे तो और ज्यादा आएगा, 10 करने पे और आएगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा 10 बनाने के लिए, इससे अच्छा जाके डेप्थ में बिल्ड करिए। आप जाके चौड़ाई में मत जाइए, अब डेप्थ में जाइए, गहराई में जाइए, बन गया आपका चौड़ाई 6 का, एक्टिव बन गया, आप जाके 15-20 लेग अभी नहीं खोलना, अभी जाइए और नीचे जाके डेप्थ में काम करिए। जिस दिन 6 लेग सेट हो गया आप डायमंड बन जाएगा, कितना चेक आएगा अच्छा लेग में, अभी आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन। ये देखिए लीडरशिप लेवल पे देखिए, सीनियर डायरेक्टर, अब जितना भी मैं उदाहरण लूंगा, पिछले महीने एवरेज पीजीपीवी लोगों का इतना बनता है, ये रियलिटी, ये रियल है, इतना लोग करता है एवरेज पीजीपीवी,
औसतन पीजी पीवी इस टाइटल पर इतना आता है, बीवी 27 से गुणा करेंगे बीवी बनेगा, हम इतना बड़ा बड़ा नंबर लेंगे नहीं अपने काम। एक डायरेक्टर औसतन 1550, सीनियर डायरेक्टर 1214, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 954 वगैरह वगैरह, हम इतना बड़ा उदाहरण लेंगे नहीं, हम बेसिक मिनिमम लेंगे। देखिए अभी पहले उदाहरण को देखिए, हम सीनियर डायरेक्टर बन गया, हमारे नीचे ए है वो एमक्यूडी है और बी है डायरेक्टर है, मान लीजिए 3000 का डायरेक्टर, 3000 का डायरेक्टर लाने के लिए क्या कितना 60 पीवी वाला लोग चाहिए, कितना डेमो दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लीजिए 60 पीवी में 3000 भी हो जाएगा, करते हैं बहुत लोग कंटिन्यूस करते हैं। अब ये हमारा एलपीवी लैग हो गया, एज ए सीनियर डायरेक्टर हमारा चेक आ गया 24000 रुपया, सीनियर डायरेक्टर 24000, 9000 रुपया नहीं, 8000 रुपया नहीं, 24000 रुपया। अब लोग गलती क्या करते हैं देखिए, अब बनाएगा वही झूलता, देखा था आपने एक के नीचे एक के नीचे, अब हम सीनियर डायरेक्टर थे, हमारा नीचे दो सीनियर डायरेक्टर आ गए, हमारा चेक जीरो होगा नहीं, लेकिन अभी भी हम सीनियर डायरेक्टर हैं, हमने नीचे डेप्थ भी बनाया, नीचे दो सीनियर डायरेक्टर बनाया, हमारा चेक गिरेगा 13000 रुपये, 10000 रुपये चेक गिर गया, बीवी बड़ा हाँ, लीडर बढ़ गया हाँ, लीडर भी बढ़ गया, जहां पहले अकेले सीनियर डायरेक्टर थे अब दो सीनियर डायरेक्टर आया टीम, क्यों एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, करना क्या है इसमें, अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ नहीं करना, ईडी बन जाए, ईडी बन जाए, एक डायरेक्टर का आउट कर लीजिए, देखो आप जानते हैं आपका 13000 रुपए का चेक कितना आएगा, करीब 24000 रुपए, सिर्फ एक टाइटल जम कर। अब अगर आप इसको ईडी बनाने का तरीका बता दे और इसका 10000 रुपए का चेक आएगा, दुआ देगा ना, नहीं तो यहां तो बद्दुआ दे रहा है आपको, ये क्या है, बीवी बड़ा चेक नहीं बड़ा सर, क्या हो गया सर, प्लान में दिक्कत है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब गहराई आ गया, आप देखो ईडी को दो जनरेशन मिलता, गहराई आ गया, टाइटल जम कर, टाइटल जम करोगे चेक आएगा, अच्छा आएगा, अगर गहराई नहीं आएगा यहां पर आपको टाइटल जम करने का जरूरत है, बहुत है एसटी बनो, एक ही है जनरेशन डायरेक्टर, तो अपना टेबल देखो कितना गहराई है, हमारा टीम में कितना गहराई में कितना कितना लीडर है, फिर हम टाइटल जम करें, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन। ये देखिए एक और उदाहरण देखिए, ईडी का बेसिक स्ट्रक्चर 1500, पीजीपीवी का दो डायरेक्टर और साइड पे हमारा 600 प्लस 120, 720 करीबन 800 पीजीपीवी, हमने ज्यादा बढ़ाया नहीं पीजीपीवी, एवरेज ज्यादा आता है, कोई बड़ा बड़ा पीजीपीवी डाला ही नहीं लोगों के, वही डाला जो एक्चुअली भारत में आता है, उससे भी कम डाला। अभी स्ट्रक्चर पर हमारा एज एन ईडी चेक आएगा मात्र 9600 रुपए, लेकिन अगर सिर्फ 1200 का डायरेक्टर बनाकर किया होता तो और कम आता। अब देखिए 9600 रुपए बढ़ाना चाहते हैं, डबल करना है चेक, ट्रिपल करना है, टाइटल जम करने की जरूरत, क्योंकि टाइटल जम किया बिना चेक के, और जितना भी अपलाइन को ईडी चाहिए स्ट्रक्चर में, प्रॉब्लम क्या, हम कितना जल्दी में है कि हम जल्दी 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 में जो लोग बना रहे हैं वो सिर्फ टाइटल के लिए बनाते हैं, चेक नहीं आता तो छोड़ देते हैं, अगले महीने करेंगे नहीं, बोलेंगे आप कर रहे हो सर हम नहीं करेंगे, हमें चेक तो आया नहीं कुछ, आपका आएगा चेक, लेकिन इसको अगर चेक आ गया दो महीना वेट कर लो अपने लिए, आपका भी चेक बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा। देखिए अभी ईडी में जाके दो एलपीवी लैग बना दिया, सेम टाइटल, हम भी ईडी, हमने दोनों सीनियर डायरेक्टर को डायरेक्टर को ईडी बना दिया, सेनापति भी बन गया, सेनापति भी बन गया, टाइटल जंप नहीं हुआ, ईडी है अभी, चेक देखिए 38000 रुपए का चेक, 38000 रुपीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब सिंपल स्टोरी, शुरू में देखा था टाइटल का गहराई, यहां 38000 रुपए का ईडी कभी छोड़ेगा ही नहीं, और 9000 रुपए का ईडी में झटका आएगा तो छोड़ दे। अब देखिए हम गया जाकर अभी प्लैटिनम बन गया, अभी टाइटल जम करने का टाइम आ गया, दो ईडी लैग एलपीबी, दो डायरेक्टर साइड से छोटे छोटे वॉल्यूम, देखिए हमने तो सीनियर डायरेक्टर पे 1100 से पीजीपी भी लिया, आप इसको 1500-1600 कर दीजिए कितना चेक बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ा ही नहीं हमने, हाँ थोड़ा ज्यादा रखा जितना लोग करना चाहिए, 100-200 पीजीपी भी ज्यादा रखो हमेशा, मिनिमम पे काम मत कराओ। यहां देखो चेक प्लैटिनम का 50000 रुपए का चेक, और अगर यही प्लैटिनम जाकर चार एलपीबी लैग बना दिए, टाइटल जंप नहीं करना है अभी, यही जरूरत पड़ा
उसका चेक 85,000 रुपए का। तो जितना प्लेटिनम है यहां पे इस रूम में, अगर 85,000 रुपीज कमाना है तो ये फॉर्मूला आपके सामने। तो सिंपल क्या किया, गहराई पे फोकस किया, नीचे सेनापति बनाया। हमें कोई जल्दी नहीं, हम 100 मीटर का रेस नहीं दौड़ेंगे, हम मैराथन दौड़ेंगे। हमें प्लेटिनम से डायमंड बनने में 6 महीने लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्लेटिनम पे ये सेट कर लिया तो डायमंड बनने का मजा आएगा, नहीं तो डायमंड बन के कोई फायदा नहीं। 20,000 रुपए चेक आएगा, छोड़ देगा आदमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए, ये डायमंड पर आपने 4 LPP लेग बनाया ईडी के साथ, चेक हमारा आएगा 1,00,000 रुपए। लेकिन हमने देखो जनरेशन, देखो ध्यान दो इधर, अभी हमने पूरा जनरेशन डाला भी नहीं, इससे ज्यादा मिलेगा डायमंड को, लेकिन हमने एक एक SD लेग डाल के नहीं छोड़ा। कहने का मतलब यह है कि हर लेग में 3-4 सेनापति है, और हमारा सिर्फ चेक अच्छा नहीं है, देखिए नीचे ईडी का चेक देखिए कितना बढ़िया चेक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉलो दीज रूल्स। आप एक कारीगर है, आप एक मूर्ति बना रहा है जो जिंदगी भर चलना चाहिए, आराम से बना। आराम का मतलब नहीं है कि सो जाना है 6 महीना फिर जागूंगा फिर बनाऊंगा। हर दिन बनाइए, अच्छा मूर्ति बनाइए, ये जल्दबाजी वाला मूर्ति मत बनाइए। जल्दी पैसा कमाना है और बिना मेहनत करने कमाना है, अलग से मिलेगा, आपकी शॉर्टकट तरीका बताएंगे। 2 दिन का दुबई में ट्रेनिंग है, फिर चलेंगे वहां से शारजा, वहां ट्रेनिंग के बाद आपको बताएंगे एक शॉर्टकट तरीका, बिना मेहनत करे पैसा कैसे आता। ठीक है, इसका टिकट विकट है, सुब्रत जी के पास बोट है, आज रात को दीघा से निकलेगा। अगर वो तरीका चले, हमारे को तरीका जिसको आता वहां मिला देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायमंड पे 6 लेग एलपी चेक देखिए। अब क्या है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं। टाइटल जंप ही नहीं किया आप तो डायमंड ही है, डायमंड ही रहे। अब गहराई पे फोकस किया, जनरेशन डेप्थ लिया, सीधा चेक 1,40,000 प्लस। तो ये बेसिक्स को अगर आप फॉलो करेगा चेक अच्छा आएगा। एक के नीचे एक के नीचे एक नहीं, पहले हमने चौड़ाई सेट किया 4 और 6 का, फिर हमने गहराई बनाना शुरू किया। अभी भी 6 लेग पे काम हो रहा, ज्यादा लेग पे तो हम काम कर ही नहीं रहे। अभी देखिए एक और एग्जाम्पल। अब यह दिक्कत आता है लोगों के दिमाग में बहुत कि बेटा बाप से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, बड़ा टाइटल हो जाएगा तो क्या होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। ऐसे तो कोई बाप लंबा बेटा होने से दुखी नहीं होगा, तो ये जितना भी बाप है तो दुखी हो रहा है, आपका दुख मैं दिल से समझता हूं। पर ये दुख आप जानते हैं क्यों आ रहा है, वो याद है ईडी का स्ट्रक्चर, एक लेग में सब लीडरशिप, याद है वो बताया था TVD, वो चाहता हमारा पांव छुए, हम इज्जत मिले, हमारा चेक क्यों नहीं बढ़ता। वो याद है मोहन राम का एग्जाम्पल 1150, ये तब स्टोरी आता है। तो अगर एक ही लेग में सारा कुछ है तो पैसा तो उसको मिलना चाहिए ना जो आदमी जाके मेहनत कर रहा है। पायलट हो ना, शुरू में कसम खाए थे ना, इतना जिगरा रखेंगे, कहने का हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता तो किसी को कोसेंगे नहीं। हवाई जहाज में तेल ही नहीं डालोगे तो कोई भी मिग उड़ेगा नहीं, F-16 भी नहीं उड़ेगा। और तेल कैसे डालना है, रिपेयर मशीन भी कैसे करना है, वो सीखना जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए सर, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, क्या कर दिया आपने, कैसा घटिया आदमी अपलाइन है, कितना भरोसा किया आप लोगों पे, क्या दे दिया हमको बना के आपने, उफो ये सब सुनने को मिलता है। मेरे अंदर के सिंगम को मत जगाओ सर, खबरदार तुम हमसे ज्यादा टाइटल किया। एक बार हम एक लीडर को मिला, एक महीना एक लीडर करता था, एक महीना दूसरा लीडर टाइटल करता था। मैंने पूछा क्या है, इतना अच्छा तुम्हारे में टीम वर्क है, वेरी प्राउड ऑफ यू। कह रहे नहीं सर, सेटिंग है। एक महीना तो DVD कर, हम ये एक महीना करेंगे, एक टाइटल कम रखना है। क्यों, डर चेक कम है। और DVD क्या, SED के ऊपर भी SED हमें आगे लगता है हमारा चेक कम हो जाएगा, नहीं होगा, स्ट्रक्चर में फॉल्ट है। क्यों नहीं होगा, उदाहरण देखिए, हम एक डायमंड है, देखिए जरा हटाइए इसको, यहां विंडो हटाइए। हम एक डायमंड है, हमारे नीचे 2 TVD लेग है, उफ आएगा ना ऐसे ख्याल, उफ ये क्या हो गया, सब खत्म। एक डायमंड का स्ट्रक्चर देखा था 1,40,000 रुपए का, नीचे कोई टाइटल नहीं था, हमसे ईडी था सब। अब 2 TVD लेग बनना गया, क्या हम बर्बाद होंगे, आबाद होंगे। देखिए बाकी हमारा डायरेक्टर ही है, बेसिक डायरेक्टर 1500 PGPB का डायरेक्टर है। अब ये देखिए मजा देखिए, 3,80,000 रुपए का चेक आएगा हमारा डायरेक्टर। और आप पूछ रहे होंगे कैसे सर,
एलपीवी तो जीरो है, बिल्कुल जीरो है। डायरेक्टर बोनस पॉइंट इतना आएगा आपका कि आपका चेक 3,80,000 रुपए है। दिक्कत तब है अगर हम ईडी है, हम ईडी है और हमारे नीचे एक टीवी लगे, आपको डेप तो मिलना नहीं, हमको क्या मिलेगा? डायरेक्टर बोनस पॉइंट में जीरो मिलेगा, तक बहुत कम मिलेगा, जीरो मतलब बहुत कम मिलेगा, पता ही नहीं आएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसिक फॉर्मूला, अगर आपके नीचे बड़ा टाइटल आ गया, अब टाइटल जंप करिए बिकॉज गिराई है, आपको डेप्थ अच्छा मिलेगा। आपको क्या मतलब है? पैसे से मतलब है कि कितना पॉइंट वैल्यू आया, क्या आया, उससे मतलब है? पैसे से मतलब है। हम तो आपको 2,00,000 पॉइंट दे दें और पॉइंट वैल्यू दिखा दें लेकिन चेक आता नहीं तो क्या मजा? हम तो चेक चाहिए, घर में पैसा कितना आएगा, रोकड़ा कितना आएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन याद रखिए, देखिए एक और चेक चाहिए डायमंड पे, देखिए 4 डायरेक्टर लेग 2 टीवी और चाहिए, जाइए 4 ईडी लेग बनाइए, उसी एग्जांपल पे जो ईडी का पहले दिखाया था, हमारा चेक बढ़ जाएगा 4,40,000 रुपए। सिंपल भाषा में अपना बाकी लेग में डेप्थ बढ़ा दीजिए, इस लेग से भी आएगा, उस लेग से भी आएगा। बेसिक डायरेक्टर करने पर चेक मान लीजिए अगर 20,000 रुपए आता है, 1,00,000 का स्ट्रक्चर आपने देखा, लेकिन आपको दिखाने का मकसद यहां सिर्फ यह था कि बड़ा टाइटल आने से घबराना नहीं, तब घबराना जब स्ट्रक्चर फॉल्टी है। स्ट्रक्चर सही बनाएगा, मैराथन रेस दौड़ेगा, जिंदगी भर सेट होगा, लोगों को ही सिखाना है। राइट, ओके, सब जिंदा है, सिर लाके सिर लाइए थोड़ा सा, देखिए हिल रहा है कि नहीं? यस यस, देखो सर ने उसका नर्स पकड़ो साथ में, हिल नहीं रहा है। अगर कोई भी आदमी 2 मिनट तक नहीं हिलेगा ना, उसको हिलाना है ऐसे से, नीचे गिर जाए तो खत्म है, ऊपर गिर जाए तो खत्म है, ऐसी सीटी बजाना। और आखिरी में एक चीज क्लियर कर दो, जितना भी लोग यहाँ डायमंड है ना, उसी को है, बाकी लोग कान बंद करो, ठीक है? मतलब ऐसे कान बंद करो, सुनिए कई बार, सोचो अभी को सपना लो अच्छा BMW का, तब तक आप लोग डायमंड है ना, के लिए टिप देता हूं, ये बहुत बड़ा मिथ्या है, ये प्लान 6 लाख का प्लान है। सबसे ज्यादा गहराई लेने के लिए 6 स्लाइड बनाना, ये प्लान अनलिमिटेड विड्थ का प्लान है। IIT का नौकरी आया, देखिए ये प्रोस्पेक्टस आपके सामने रेल एड है, हमने तो बनाए नहीं, ये 55% मार्क है, इस 55% मार्क पे एडमिशन हो जाएगा IIT के प्रोफेसर, 6 लाख मिनिमम है, जिसमें पूरा का पूरा गहराई मिलता है। लेकिन पूरा गहराई लेने के बाद चौड़ाई में बिल्ड करो ना, अनलिमिटेड है। उदाहरण देखिए, डायमंड पे जाकर छोड़ता हूं, जो लोग भी 6 लाख पे डायमंड बना सिर्फ, और जो लोग 7 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग बनाए हैं उससे ज्यादा, उसका चेक 47% ज्यादा आता है 6 लाख बनने से, ये रियल डेटा। और जितना भी TBD सिर्फ 6 लाख पे बनाया काम किया, अगर उसका चेक 1,00,000 रुपए आया तो 7 लाख पर काम करने वाला 45% ज्यादा इनकम कमाता है, क्वालिफाइड डायरेक्टर ने बोला। डायरेक्टर के नीचे 6 सेट करो, डायरेक्टर के ऊपर चौड़ाई बढ़ाओ। ये पता नहीं किसने हमें बता दिया है कि बाकी छोड़ दो, अभी 6 लाख भी लगे रहो जिंदगी भर, लगो 6 सेट करो, जाके 7वां 8वां 10वां खोलो ना, किसने रोका है? रोकड़ा कमाना है ना, रोकड़ा कमाने में रोकड़ा अपना रुकने थोड़ा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बेसिक था, तो याद रखिए ये सिर्फ 6 लाख टाइटल के लिए है, इनकम अनलिमिटेड विड्थ पे है। तो मोदी केयर में अगर ये सब काम करेगा तो ये भी करेगा। सोच के देखिए एक बार, ये कोई टीस्टा रिवर के ऊपर नहीं है, ये मेलबर्न है, राजेश जी के साथ हम मेलबर्न घूमने जा रहे हैं, थैंक्स टू राजेश जी जैसा लीडर के आज मोदी केयर T20 का मैच मेलबर्न में देखे, मालूम है आपको? टॉप 100 लीडर मेलबर्न जा रहे हैं, जो जाना चाहता। और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में दिवाली से एक दिन पहले भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, हम सिलीगुड़ी या दिल्ली का स्टेडियम में नहीं देखेंगे, हम मेलबर्न में देखेंगे, हाथ में नोनी का जूस होगा, स्टेडियम में बैठेंगे, नाराबाजी होगा, इतने लोग मुस्कुरा रहे हैं, मोहम्मद सच्ची में वो कह रहे हैं सच्ची में नोनी पिलाएंगे वहां पे, जो लोग जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, और वहां पर जाएंगे हार्बर पर और ऐसा बोट में जाएंगे और मजा करेंगे, ये है ना लाइफ, ये है ना लाइफ। तो आखिरी में इतना ही कहूंगा, अपना 2 घंटा आज खत्म करूंगा, कि अच्छा समाने में तो सब लीडर है बॉस, ये मार्टिन लूथर किंग को जानते हो आप?
भारत में जो काला लोग था ना, आज भी ऐसा होता है कुछ जगह, पहले उनको बहुत लोग नीचे दिखाते थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने काला लोगों को हक दिया, गोरा और काला है ना, वहां पे गोरा एक आदमी काला उसको हक दिलाया, उसने एक चीज बोला था, बहुत बड़ा आदमी था, अभी जाके पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप देखेंगे कितना बढ़िया आदमी था, कि अच्छा समय में तो सब लीडर है लेकिन दिक्कत का परिस्थिति में आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका असली लीडरशिप का निशानी वाने की क्या, चढ़ता हवाई जहाज में तो सब हीरो है बॉस, आपका टीम आपको देख रहा है, अभी लीडरशिप क्वालिटी निकाल के लाइए, अगर आपका चेक अच्छा नहीं है, चेक अच्छा है तो वेरी गुड, आगे बढ़ो, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन। और आखिर में जानते हैं ये सीता है, ये राम जी हैं, वो लक्ष्मण है, ये मारीच है, सोने का हिरन, कहीं सोने का हिरन आएगा इस वक्त आपके सामने, स्टोरी मालूम है क्या हुआ था, सोने का हिरन का लालच में सीता जी ने कहा जाइए मुझे सोने का हिरन पकड़ के लाइए, रावण उठा के ले गया, आपको भी रावण हो सकता है उठा के ले जाएगा लालच में जाएगा, फिर वापसी नहीं हो सकता है, आखिरी हम तो भैया तैयार है, हाथ आगे कर रहे हैं, ट्रेन चल पड़ा है आजादी का, भागो और हाथ पकड़ो, अब आप कजोल समझ लिए अपने अपने आप को या शाहरुख खान समझ लीजिए, आपकी मर्जी, हाथ आगे चढ़ो और आगे, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड बैक टू मिस्टर शर्मा, शुक्रिया, थैंक यू। मजा आया, क्या बात है, फिर से एक बार मजा आया, जोश है और सुनना चाहते हो, चलिए अभी भी तैयार हो सुनने के लिए, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा मेलबोर्न